नए DG ISI आसिम मलिक कौन है? ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को DG ISI तैनात कर दिया गया है। इनके वालिद भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फराइज अंजाम देते रहे हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। वो अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDO और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवन वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फौजी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के वालिद कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट आसिम मलिक जनरल नदीम अंजुम की रिटायरमेंट के बाद ISI के नए सरबराह बने हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या मुख्तसरन ISI पाकिस्तान का सबसे बड़ा मायानास खुफिया इदारा है, जो मुल्की मफादात की हिफाजत और दुश्मन एजेंटों की तखरीबी कार्रवाइयों का कबल अज वक्त पता चला कर इन्हें ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो और पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन बाद में हालात के पेश नज़र ISI का क़याम अमल में लाया गया। 1947 में आज़ादी हासिल करने के बाद दो ही इंटेलिजेंस एजेंसियों इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस का क़याम अमल में आया। 1948 में एक ऑस्ट्रेलवी निजात बरतानवी फौजी अफसर मेजर जनरल रॉबर्ट कॉथम ने ISI का इदारा कायम किया। उस वक्त ISI में तीनों मुसल्ला अफवाज से अफसरान शामिल किए गए थे। 14 जुलाई 1948 में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद हमीद को मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बना दिया गया था। फिर इन्हें ISI की तंजीम करने को कहा गया, जो उन्होंने मेजर जनरल रॉबर्ट कॉथम की मदद से किया। इस तंजीम में तीनों मुसल्ला अफवाज से अफसरान लिए गए और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सिविलियन भी भर्ती किए गए। मेजर जनरल कॉथम 1950 से 1959 तक ISI के डायरेक्टर जनरल रहे। ISI का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाकया है। इस इदारे का सरबराह हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल होता है। इसके मातहत मजीद 3 डिप्टी डायरेक्टर जनरल काम करते हैं। ISI के मौजूदा सरबराह नदीम अहमद अंजुम है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ISI की देरीना मुखालिफ है, लेकिन फतह अक्सर ISI की ही हुई है। ISI ने भारतीय फौजी हमलों और खुफिया फौजी मशकों की फाइल्स इंदिरा गांधी के मेज पर पहुंचने से पहले ही उड़ा दी थी। यूं भारतीयों के हमले से पहले ही पाकिस्तानी फौज होशियार हो गई और मोर्चा बंदी कर ली गई, जिस पर भारतीय फौज पीछे हट गई। इसे कबल सैयद शाहिद हमीद, रॉबर्ट कौतम, रियाज हुसैन, मोहम्मद अकबर खान, गुलाम जेलानी खान, मोहम्मद रियाज खान, अख्तर अब्दुलरहमान, हमीद गुल, शमसुररहमान, असद दुरानी, जावेद नासिर, जावेद अशरफ, काजी नसीम राना, ज़ियाउद्दीन भट्ट, महमूद अहमद, एहसानुल हक, इशफाक परवेज कियानी, नदीम ताज, अहमद शुजा पाशा, जहीरुल इस्लाम, रिजवान अख्तर, नवीद मुख्तार, आसिम मुरी, फैज़ हमीद, नदीम अहमद अंजुम ISI के सरबराहान रहे हैं।